हेलो गाइस, दिस इज विक्रम। सीरियस नोट पे आज की वीडियो बना रहा हूँ। कोरोना के बारे में आप लोगों ने भी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी नेट पे, आजकल वही चल रही है सारी यूट्यूब पे। लेकिन मैं सोचा अपनी ओर से भी आप लोगों को सतर्क कर दूँ। है तो ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस कॉज, अगर ये किसी को लग गया तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से 4, 4 से 40, और ऐसे करते हुए मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अपने आप को सेफ रखिए, घर में रहिए, हाथ धोइए, बाहर कांटेक्ट ना कीजिए, ज़रूरत पड़ने पर ही बाहर जाइए, नहीं तो मत निकलिए घर से बाहर। दुनिया ख़त्म नहीं हो रही है, लेकिन ख़त्म अगर हो गई तो बचाने के लिए हम लोग जिम्मेदार रहेंगे। तो बचा लेते हैं इसे इस बार। कहते हैं कि कोरोना में इम्यूनिटी हम लोगों की ज़्यादा है, इसलिए हम लोग कम बीमार पड़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी सुपरमैन नहीं है। आपने वो गाना तो सुना ही होगा, मैं तो सुपरमैन सलमान का फ़ैन। सलमान भाई भी घर पे बैठे हैं और हमें भी बैठना चाहिए, हमें भी सरकार का समर्थन करना चाहिए, हम लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। एक किस्सा पता लगा मुझे इटली का, जहाँ पे एक चाइना की लड़की गई है और उसने एक बैनर हाथ में उठाया और कह रही है कि मुझे कोरोना नहीं है, आप, मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ, आप मुझे गले लगा सकते हैं। 4 दिन में 5,000 लोगों ने उसे गले लगाया, और ये थी इटली की पेंडेमिक यानी कि कोरोना वायरस से जूझने की दास्तान स्टार्ट होने का नतीजा। उस लड़की को बाद में इन्फेक्शन मिला है, वो लड़की कोरोना से ग्रस्त थी, और जो 5,000 लोग जो उससे मिले हैं, जिन्होंने उससे गले लगाया है, जो जिन्होंने उसे टच किया है, वो सब भी इन्फेक्ट होने के पूरे पूरे चांसेस में हैं। ये इटली की शुरुआत हुई थी, किसी की एक गलती सारे देश पे भारी पड़ गई है। इटली वर्ल्ड का 2nd सबसे पावरफुल मेडिकल केयर में माना जाता है, लेकिन इटली की बैंड बज चुकी है, तो हम लोग ये मिस्टेक दोहराना नहीं चाहेंगे। चाइना ने उस लड़की के नाम से बहुत सारे मतलब एम्बिशन बड़े मैसेजेस दिए और बहुत प्रोत्साहन दिया उस लड़की के बारे में जब वो ऐसा कर रही थी, लेकिन पता लगा कि उसे भी इन्फेक्शन है। बोल के नहीं होगा, 5 दिन के बाद इसके सिम्टम्स पता लगेंगे, तब तक बहुत लेट हो जाएगा। इसीलिए किसी से कांटेक्ट ना करें, हर किसी को कोरोना ग्रस्त की नज़रों से देखें, ताकि अपने आप को आप बचा सकें। हाँ, बहरहाल आप लोगों के लिए आगे के वीडियोज़ का मैंने प्लान कर लिया है, क्योंकि मैं भी आइसोलेटेड एरिया में हूँ, यानी कि अपने घर में हूँ, मैं भी सबसे दूर हूँ, तो इतने दिन क्या करना है घर में मुझे भी नहीं पता था। तो मैंने कुछ अरेंजमेंट किया जो मैंने आप लोगों के लिए सोच रखा है। आने वाले दिनों में हर 1-2 दिन में मैं वीडियोस डालने वाला हूँ मेंटेनेंस की, जो आपके पास घर में या आपके गोडाउन में प्रोडक्ट्स पड़े हैं, जहाँ तक आप लोग जा सकते हैं, वहाँ तक आप लोग ये प्रोडक्ट्स का मेंटेनेंस कैसे देखेंगे। माइक केबल हो गए, पेंट हो गए, एम्पलीफायर साफ करना हो गया, ये सारे वीडियोस मैं आपके लिए लाने वाला हूं। तो आशा करता हूं कि आज की न्यूज़ आपको समझ गई होगी कोरोना को लेके। एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, बच्चों का इम्यूनिटी कहते हैं ज़्यादा पावरफुल है, इसमें कोरोना स्प्रेड होने के चांसेस कम है, लेकिन बच्चे कैरियर भी बन सकते हैं। यानी कि भले आपके बच्चों का कोरोना वायरस होने का संक्रमण का कम है चांस, लेकिन किसी और को अगर उन्होंने टच कर लिया जिसे कोरोना वायरस है, तो वो बीमारी घर ला सकते हैं। भले आपका बच्चा बीमार नहीं होगा, लेकिन घर के बूढ़े जिनको ऑलरेडी प्रॉब्लम है डायबिटीज या कुछ ब्लड प्रेशर वगैरह की, वो दवाइयाँ पहले से लेते हैं, तो उन लोगों को स्वस्थ करने में बहुत मशक्कत लग रही है, कई बार ये नहीं भी हो पा रहे हैं। तो अपने घर के बड़ों को स्वस्थ रखिए, अपने बच्चों को ऐसे लोगों से दूर रखिए, और मैं तो कहूँगा आइसोलेशन में चले जाइए, घर में रहिए, मत निकलिए घर से बाहर, आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है। और याद रखिएगा कि आप बहुत कीमती हैं। अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, कल से मेंटेनेंस की वीडियो लाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू गाइस।